10th ऑफ मई को मेरी फिल्म आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तो हमने सोचा क्यों ना एक स्टूडेंट की थीम पे हम एक फोटो शूट कर रहे हैं। तो मेरे सारे फ्रेंड्स का आइडिया था कि लेट्स डू अ फोटो शूट बेस्ड ऑन स्टूडेंट। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ पे आए हैं एंड दे आर सपोर्टिंग मी फॉर माई डेब्यू जो होने वाला है धर्मा के साथ। मैं जो मेरा किरदार है, आप वैसे तो आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, तो आप वो भी देखोगे, बट मेरे किरदार में आपको काफ़ी सारी वेरिएशन दिखेंगी, डिफरेंट इमोशंस दिखेंगे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी आपके मेरे इमोशंस आप देखते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट होते रहेंगे। आई हैव मल्टीपल ऑफ इमोशंस इन दिस फिल्म। मेरे सबसे ज़्यादा सीन टाइगर के भाई के साथ हुए हैं ज़्यादातर। ओके अभिषेक, कांग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो मेकिंग योर डेब्यू फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म, थैंक यू। टाइगर के साथ में तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर्ब सुपर्ब। मतलब हर कोई जो भी एक्टर आता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि वो डेब्यू करे तो यशराज धर्मा ऐसी प्रोडक्शन हाउस के साथ करे, एंड जो अब होने जा रहा है 10th ऑफ मई को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने सीरियसली जब मैं गया था तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था पहली बार, तो मैं गया, आई गेव एन ऑडिशन, तो एक महीने तक आई हैवन गॉट एनी कॉल। तो आई थॉट कि यार शायद किसी और का हो गया होगा, तो लेट इट बी, आई फॉरगॉट। देन एक महीने बाद आई गेट अ कॉल कि अभिषेक यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू री ऑडिशन। आई वेंट अगेन, सो आई ऑडिशन, दे वर लाइक आई थिंक यू हैव टू क्लीन शेव एंड समथिंग। आई थॉट इट्स ओके, ठीक है करते हैं, इट्स अ स्टूडेंट लुक। वो किया, गेव अनदर ऑडिशन, देन आई वेंट बैक, देन फिर उनका कॉल आया कि सर आपको एक और ऑडिशन देना होगा। आई वाज लाइक ओके। व्हेन आई वेंट बैक तो अनमोल हु इज द कास्टिंग डायरेक्टर, ही हग मी एंड ही वॉज लाइक ब्रो करण एंड पुनीत लव योर ऑडिशन, वी आर ट्राइंग आर हार्ट कि तेरा हो जाए, एक और बंदा है दो लूप में, बट मोस्टली मुझे लगता है कि तेरा होगा। आई वाज लाइक चलो यार एक और बंदा है, यू डोंट हैव टू बी हैप्पी अभिषेक, बी लाइक दैट। देन मुझे कॉल आता है कि अभिषेक तेरा हो गया। आई वाज लाइक सीरियसली यार, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने सबसे पहले घर वालों को बताया कि दिस थिंग हैपन, तो ठीक है। मैंने कहा आप ट्रेनिंग होगी आपकी कबड्डी की, 10 दिन ट्रेनिंग है, ठीक है। 3 दिन हो गए, चौथे दिन मुझे एक आदित्य हुजन आई थी, तो वो आया कि बस लाइक कि ब्रो वी वांट टू सी यू परफॉर्मिंग अ सीन, पुनीत वांट्स टू सी। मैंने कहा यार अभी भी नहीं हुआ क्या? मैंने कहा यार अभी मतलब इतने ऑडिशन दे दिए, फिर लुक टेस्ट, ये सब हो रहा है, चलो ठीक है। फिर मैं गया धर्मा ऑफिस, फिर एक और ऑडिशन, एक और मैंने सीन परफॉर्म किया। तो मैंने जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि यार कैसा था ऑडिशन, तो वो कह रहे यार ऑडिशन नहीं था ये, वी जस्ट वॉन्टेड टू सी यू परफॉर्मिंग। मैंने कहा अच्छा, कह रहा यू आर इन द फिल्म, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो ये पूरी जर्नी मेरी, मैंने 50 डेज ट्रेनिंग करी, एक्शन ट्रेनिंग, कबड्डी ट्रेनिंग, मसूरी में शूट किया, ऋषिकेश शूट करा, देहरादून शूट करा, बैंकॉक शूट करा, पुणे शूट किया, बॉम्बे शूट किया। तो मेरा, मैं ट्रैवलिंग में सोता था, मैं 6-6 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर शूट पे जाता था, मेरा शोल्डर इंजर्ड हो गया था वाइल परफॉर्मिंग द क्लाइमेक्स। तो जो आप चिल्लाना विलाना देखोगे वो रियल है, यहाँ 2 लिगामेंट 1 मसल टेयर हो गया था वाइल परफॉर्मिंग अ सीन, और मैं रिहर्सल्स कर रहा था एक्शन रिहर्सल। तो काफ़ी कुछ हुआ यार इसमें, तो मेरे तो ये पूरी जर्नी है, इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म। ओके, जैसे कि यू नो यू वर ऑलरेडी ऑन टेलीविजन, यू नो शूट करते थे, सो आपको लगता है कि वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू कि ये रोल हासिल करना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? देखिए जब तक होता नहीं है तब तक आपको डिफिकल्टी लगता है। और मैंने टीवी इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड विद कमर्शियल्स एंड टी, मैंने फिल्म्स के इतने ऑडिशंस दिए नहीं थे इतना लोगों से, मेरे को बिकॉज आई थॉट कि सम ऑफ द वे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैंने टीवी में अलग अलग किरदार निभाए, मैंने कॉमेडी की, मैंने नेगेटिव प्ले करा, मैंने पॉजिटिव प्ले करा, कभी माता का भक्त बना, कभी साइलेंट कॉमेडी करी, तो आई हैव प्लेड ऑल द कैरेक्टर्स। देन आई स्टार्ट थॉट कि चलो अब थोड़ा फिल्म की तरफ भी बढ़ा जाए। देन आई गॉट, मैंने ज़्यादा ऑडिशन नहीं दिए थे, दिस वॉज माई लाइक 4th or 5th ऑडिशन जो मैंने दिया, then it happened. और जब तक होता नहीं तब तक डिफिकल्टी होता है, एक बार हो जाए तो अच्छा लगता है। Also, you know, student of the year already लोग पसंद कर चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। देखिए मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, ये सारा प्रेशर धर्मा वालों पे, और वो ईजिली उनको पता है कैसे हैंडल करना है। मैंने अपना परफॉर्म कर दिया, मैंने अपना सीन कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। बिल्कुल आते हैं यार ये, आप मैं तो कहूँगा जब आप ये फिल्म देखोगे आप अपने कॉलेज डेज को, स्कूल डेज को रिलेट करोगे, इट्स वेरी रिलेटेबल। ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ इट्स वेरी रिलेटेबल, आपको कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर दिखेगा अपनी लाइफ में, या आप कोई ना कोई, मैं तो देख चुका हूँ ऐसे लोगों को जो भुगत भी चुका हूँ, ऐसे मेरे साथ रह भी चुके हैं, तो ऐसे अच्छे लोग बुरे लोग सब आपको इस पूरे फिल्म में दिखेंगे। यस, मैं फिल्म देख चुका हूँ। मुझे तो पहले मैं बहुत नर्वस था कि कैसी होगी कैसी होगी, देन व्हेन आई वॉच्ड इट आई बिकेम एक्साइटेड। तो वो धीरे 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 मैंने सब, आई स्टिल रिमेम्बर 9 बजे
कल की बात है, मैं आई कॉल माई मॉम की मॉम मूवी स्टार्ट हो रही है, तो लाइक ओके ऑल द बेस्ट मैंने करा, देन वो धीरे आई वॉज जस्ट वेटिंग, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये मैं आई वॉज रिमेम्बरिंग द सीन, मैंने कौन कौन से सीन किए थे, आई वॉज रिमेम्बरिंग द लाइन्स बिफोर कमिंग टू द स्क्रीनिंग, मैंने कहा अच्छा ये अच्छा, तो मेरी वो नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदलती गई, अब आई एम टोटली एक्साइटेड अबाउट इट। They love my character. They were like, I was talking to the writer, so he was like, he was introducing me, this guy is playing one of the strongest character in the film, and the way you said it, it's too good. मतलब जो मेरी expectation था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी expectations के हिसाब से, कि नहीं मेरी जो expectation थी उससे अच्छा ज़्यादा किया है, तो I was very happy. All the reviews were good to me. Okay, talk. Yeah. मेरी बात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? में भी उन्होंने प्रमोशन किया लखनऊ दिल्ली गए। वो हैट्स ऑफ क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ उनको पता है प्रमोशन, फैंस के लिए ही हम जी रहे हैं, अगर हम आज यहाँ पे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस, अगर फैंस से ही नहीं मिलेंगे तो फिर कुछ नहीं है, वी आर नोबडी विदाउट द फैंस, तो हैट्स ऑफ की विद द इंजरी ऑल्सो ही वेंट सो फार, सारी प्रमोशन कर रहे हैं, दिस इज सो गुड। मैं रोमांस करूंगा, मैं टाइगर के साथ करूंगा रोमांस। थैंक यू। ओके, सो हाय आकांक्षा, सो आज एक बहुत ही इनोवेटिव वे में आप लोगों ने यू नो अभिषेक को सपोर्ट करने का डिसाइड किया है, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगी हमें क्या है? तो ये आइडिया तो ऑब्वियसली बहुत ही यूनिक है, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज़ हो रही है और ही इज़ गिविंग हिज डेब्यू, लाइक इट्स द फर्स्ट फिल्म और हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसको ऑन स्क्रीन देखने के लिए, बड़े पर्दे पर देखने के लिए, तो एक ऐसे ही थॉट है कि आकर एक स्टूडेंट की तरह ही थोड़ा गेट टुगेदर हो, थोड़ा फोटोशूट हो और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। मतलब मैं तो बोलूँगी कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में जो होता था कि टाई पहनना है वो तो मैंने नहीं पहना ऑब्वियसली, और मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मुझे अलाउ नहीं था वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना, बट अदरवाइज टुडे आई एम फीलिंग विद देम दैट हाँ मैं भी कॉलेज स्टूडेंट ही लग रही हूँ या स्कूल स्टूडेंट ही लग रही हूँ, सो क्वाइट एक्साइटेड। नॉर्मल आउटफिट है, पेयरिंग विथ माई फेवरेट शूज़, वाइट ड्रेस है, डेनिम जैकेट पहन रखा था बट गर्मी थी तो इसलिए खोल दिया और बांध लिया, एंड स्मॉल लिटल पाउच, सो या। आपकी स्कूल लाइफ कितना मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ, लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे किससे ज़्यादा मिस करती हैं कॉलेज या स्कूल, तो मैं बोलूँगी स्कूल, वो गोल्डन डेज थे और तब हमको लगता था कि जल्दी बड़े हो जाएं, बट अब लगता है कि शायद फिर वापस से वो ज़िंदगी मिल जाए। किस टाइप की स्टूडेंट रही हैं आप? मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ही पढ़ाई में नॉट वेरी टॉप काइंड, बट या बहुत ही स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन थी मैं, थोड़ा रिजर्व थी स्कूल में, बट विद इन माई ओन पीपल मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी, तो डांस म्यूजिक एंड एवरी थिंग, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, आई एम अ फूडी, वो अलग बात है कि देख के लगता नहीं है, बट आई एम अ फूडी। स्कूल में इंटरवल से पहले अपना टिफिन खोल के एंड किसी भी मतलब पीरियड में निकाल के खा लेना, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अपनी असेंबली बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज हम लोगों के यहाँ कैरल्स होती थी, सो मिशनरी स्कूल था तो डांस करके सारे असेंबलीज होती थी, तो आई मिस दोज डेज, एंड विद माई फ्रेंड्स my classes and everything, like school life was superb. आकांक्षा, जैसे आपने friends की बात की है, तो कोई एक ऐसा school friend जो अभी तक आपके साथ में touch में है? Yes, her name is Priyanka. वो अभी तक मेरे touch में है, and मेरे दो best friends हैं अंकित एंड जयेश, दे आर ऑल्सो इन माई टच। अभी मैं जयपुर गई थी उसकी शादी में, सो वेरी क्लोज निट फ्रेंड्स या सो है। ओके आकांक्षा, यू नो अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू की, तो जैसे कि फिल्म में स्कूल लाइफ उनकी जो दिखाई गई है वो एकदम लैविश और यू नो जैसे कि होता नहीं है, तो आपको क्या लगता है वैसा स्कूल लाइफ अगर आपका होता तो ज़्यादा अच्छा होता या नहीं? फिर हम पढ़ नहीं पाते ना, मतलब फिर जब जहाँ हम हैं अभी पढ़ लिख कर, मतलब मैंने अपनी स्टडीज़ भी पूरी करी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो
वो सब कुछ नहीं हो पाता. फिर मैं वही कार्स में घूम रही होती या मतलब मॉडर्न ड्रेसेस लाइक बैग्स एंड ये वो कर रही होती, तो आई एम ग्लैड कि वैसा कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर फैसिनेशन की बात की जाए तो वेन यू सी इट ऑन स्क्रीन यू फील लाइक या यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म और मे बी टू यू नो लिव दैट मोमेंट. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक ये एक्चुअली स्टूडेंट थीम है हमारी. बिल्कुल आज हम लोग बचपन की यादों में खो चुके हैं. सो हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को सेलिब्रेट करते हुए आज अब बिल्कुल बच्चे बनकर आए हैं. बच्चे बनकर या कॉलेज गोइंग बनकर ऐसे भी कह सकते हैं. बच्चे कॉलेज में भी बच्चे ही होते हैं. कॉलेज गोइंग हम आज भी एक्चुअली बच्चे ही हैं. बड़े जितने भी हो जाए हमें बचपना है. हाँ वो तो है. या वो रखना चाहिए सबको. इसके अलावा आज का जो दिन है जिस तरीके से आप लोग स्टूडेंट बनकर आए हैं, कितनी यादें स्कूल टाइम्स की या कॉलेज टाइम्स की ताज़ा हुई है? फ्रेंकली बोलूँ तो मेरी तो बहुत हुई है. क्योंकि पर मुझे एक चीज़ मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैंडीज़ बड़ी खाया करता था. वो कैंडीज़ मुझे दिख नहीं रही है. तो अभी फिर और मैं समोसे बड़े खाया करता था. अब समोसे भी है नहीं. आज भी बुलाते हैं. तो जब कॉलेज में स्कूल के टाइम में जो हमारे मतलब कैंटीन में, हाँ नहीं उससे काम तो चलाना ही पड़ेगा. तो स्कूल टाइम में समोसे बड़े मैं खाया करता था. खाने की यादें हैं. हाँ, और लड़कियाँ सुंदर सुंदर होती थी, वो तो आज भी है. ओके. मेरी तो बस क्या कहते हैं, क्लासेस बंक कर लो, इधर उधर घूम लो, खेल लो. और स्पेसिफिकली जब स्विमिंग पीरियड्स नहीं होते थे ना, तो हम लोग जानबूझ के कोशिश करते थे कि स्विमिंग पीरियड्स बना दे और हम कुछ करके स्विमिंग चले जाते थे. तो वो एक मेरा सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट था. यस. स्कूल में आई थिंक माई फेवरेट वॉज टू बंक द क्लासेस. और मैं हमेशा फर्स्ट पीरियड जो होता है, हम लोग का एक बहुत क्रेजी सा ग्रुप होता था. सो वी यूज टू बंक द क्लासेस एंड ऑलवेज कम इन द सेकंड पीरियड. और मैम और सर को पता नहीं चलता था. सो हम लोग वो वाला मस्ती बहुत करते थे. वो जो बड़े हो गए 9th 10th में, जब दिमाग चलने लगा तब हम लोग बंक करते थे. नहीं देखो, मैं तो पढ़ाकू बच्ची थी. स्कूल जाके से पढ़ाई करती थी और थोड़ा सा मेकअप करती थी, हेयर स्टाइल करती थी, है ना. हां, उस वो मेकअप और हेयर करने के बाद मैं पढ़ाई करती थी. फैशन पहले रहता था. देखो जो फर्स्ट आता है उसी की फोटो नोटिस बोर्ड पे लगती है, राइट. तो बस मुझे मेरी फोटो से मेन फोकस था. तो मैं अच्छे से पढ़ाई करता ताकि मेरी फोटो नोटिस बोर्ड पे लगे और सब अच्छे मुझे लगे. पहले इसके कपड़े डिजाइन होते थे कि मनीष मल्होत्रा करने वाला है या कौन डिजाइन करने वाला है. इसके यूनिफॉर्म भी इसका डिजाइन हो के आता था ना. बहुत पता है मेरे बारे में. थोड़ा R&D पहले से करता हूँ ना मैं. ओके, लास्टली आप लोगों में से कितनों के फ्रेंड्स जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो अभी भी आप लोगों के साथ सारे के सारे मेरे जो नर्सरी के फ्रेंड्स हैं, आई थिंक दे आर द कोर मेंबर, कोर फ्रेंड्स ऑफ माइंड. एंड आई हैव फ्रेंड्स ऑफ 7 to 8 पीपल सिंस 22 years नाउ. यस, सेम हियर, सेम है. और मेरा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा वाला सीन क्या है कि अभिषेक मेरी ही स्कूल में था, तो अभिषेक भी मेरा दोस्त है. बचपन वाला, स्कूल वाला प्यार. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. मतलब आपको दिख रहा है कि हम लोग पूरी यूनिफॉर्म में आ चुके हैं. मतलब बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अभिषेक, बिकॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम डूइंग हिज डेब्यू. सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट वी ऑल हैव कम टू सपोर्ट आवर वेरी डियर फ्रेंड, हर हस्बैंड ऑफ कोर्स, बट माय फ्रेंड, एवरीबॉडी इज फ्रेंड. सो डू वॉच स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एंड सपोर्ट अभिषेक एंड गो वॉच ऑन 10th ऑफ मे. यस, 10th ऑफ मे. यस, 10th ऑफ मे 2019. बहुत अच्छी फीलिंग है. 6 साल से दोस्त थे हम लोग. मतलब क्या क्या, कैसे कैसे ऑडिशंस हम लोग भागा करते थे. कभी रिक्शा में, कभी बसेस में, कभी बाइक्स पे. अरे यार तुझे पता नहीं हमने क्या मेहनत, अपनी पूरी एडी लगा के मेहनत की और आज ये मुकाम पे पहुँचे. बहुत अच्छा फील होता है यार कि अपना दोस्त इतना आगे बढ़ रहा है. बाय द वे मेरी भी मूवी आ रही है, तो उसे भी देखना. 5 June को भारत आ रही है. तो गाइस डू शो सम लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. Okay, Rohan,
क्या कहना चाहेंगे, मतलब काफी अलग सा आज मतलब कॉन्सेप्ट है, आज सब अलग-अलग स्कूल की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आ रही है, अभिषेक उस पर डेब्यू कर रहा है, मतलब ड्रीम कम ट्रू है किसी भी एक्टर के लिए, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और उसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभिषेक को आज से नहीं जानता, पिछले 10 सालों से जानता हूँ। हम साथ में मॉडलिंग करते थे दिल्ली में, तो आई हैव सीन हिज स्ट्रगल, आई हैव सीन हिम ग्रो, तो बहुत मेहनत लगी उसको, लेकिन फाइनली अब वो डेब्यू कर रहा है और धर्मा के साथ डेब्यू कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ओके, आपके सॉन्ग भी लोगों ने काफी पसंद किए थे, दोनों ही अपने जी 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 काफी पसंद किए थे। जी ऑब्वियसली चार गाने कर लिए मैंने इसीलिए क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये मेरा जो अवतार था नया सॉन्ग्स वाला, तो डेफिनेटली और भी चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली और गाने आगे करूँगा मैं। रोहन, आज सब स्कूल और सी मुझे मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बोला गया था कि उसमें स्टूडेंट लुक में आना है, तो मैं कॉलेज में ऐसे ही जाता था, तो अभी यहाँ आकर पता चला कि स्कूल लुक है और मुझे लगा फिल्म है तो उसमें कॉलेज लुक थी, तो मैं तो कॉलेज लुक में आया हूँ, तो आई थिंक मैं प्रॉपर लुक में, बाकी का मुझे पता नहीं। जी 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 स्कूल लुक में आए। ऑब्वियसली यार, मतलब स्कूल की चीज़ें मतलब इतनी यादें होती है और मतलब हर एक मोमेंट हम जीते थे उस टाइम पे, और कोई प्रेशर नहीं होता था, पढ़ाई का होता था लेकिन वो इतनी टेंशन नहीं होती थी, और मैं बोर्डिंग में भी था तो एक्सपीरियंस वो अलग ही होता है यार, वो लाइफ दोबारा नहीं आ सकती। मतलब ऑब्वियसली मैं मसूरी में कॉलेज में स्कूल में था, सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी में, और इनकी शूटिंग भी जो है वहीं पर हुई है, तो जब मैंने इनका प्रोमो देखा तो मुझे काफ़ी याद आया और मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि अरे यार ऐसे ऐसे होता था, मतलब इतना मतलब ऑलरेडी मैं प्रोमो देखकर ही मुझे इतना मतलब हो रहा था, तो मैं फिल्म देखकर मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता। और यार यादें एक्चुअली मैं बताना शुरू करूँगा ना तो ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी चीज़ें होती, और बॉयज़ स्कूल था मेरा, बोर्डिंग स्कूल था, तो इतनी मस्ती होती थी, बंक करते थे हम लोग, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि जैसे हम मसूरी से जब देहरादून जाना होता तो हम बोलते थे कि यार अरे आंखों में दर्द हो रही है, आईएसआई चेक कराना है, और उस बहाने हमें फिर देहरादून लेकर जाते थे डॉक्टर्स के पास, तो बहुत सी यादें हैं और बहुत मस्ती करते थे, और फिर वहाँ से तब मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स का हमें बहुत क्रेज़ होता था, तो वहाँ था नहीं मसूरी में, तो वो खाने के लिए खाना होता तो हम बोलते थे कि यार ये प्रॉब्लम है, दाखे हो रही है ये, तो डॉक्टर्स एक्चुअली देहरादून में रहते थे तो वहाँ जाते थे, तो ये भी आपने क्वेश्चन पूछा तो याद आया, तो काफ़ी मेमोरीज है। कांची को मिस नहीं कर रहा है एक्चुअली, हम अभी मैं उसी के साथ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, शी इज़ इन वेल, तो बस अभी वही सब चल रहा है, और जिम शुरू किया उसने तो काफ़ी मेहनत कर रही तो थक जाती है, और आई थिंक बुखार हो गया उसको, तो अभिषेक बजाज को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, और साथ ही पुनीत मल्होत्रा सर को भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ 2 एड्स किए और मुझे पता है कि बहुत अमेजिंग डायरेक्टर, और ये जो फिल्म है डेफिनेटली हिट होने वाली है। थैंक यू। मैं सन से बच रही थी, हाँ इफ पॉसिबल, बिकॉज़ दैट्स कमिंग डायरेक्टली ऑन माय फेस। आप थोड़ा